गंगा आरती में भी होंगी शामिल। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम उरूज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करेंगे इंतखाबी रैलियां। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में करेंगे रैलियां। अपोजिशन ने भी इंतखाबी मुहिम में झोंकी अपनी पूरी ताकत। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में करेंगी रैली। वहीं एसपी सरबरा अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी के अलीगढ़ में इंतखाबी मुहिम को बढ़ाएंगे आगे। पतंजलि के गुमराह कुन इश्तिहार केस में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी समाअत। बाबा रामदेव और आचार्य बाल कृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में जाती तौर पर पेश होने की हिदायत। शराब घपला केस में जेल में कैद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत आज होगी खत्म। इसी मामले में के कविता की अदालती हिरासत का आज है आखिरी दिन। मुल्क भर में आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही हनुमान भक्तों का है हुजूम। हनुमान चालीसा और अखंड रामचरितमानस का चल रहा है पाठ। ताइवान में महसूस किए गए जलजले के 80 झटके, 8.3 की शिद्दत का रहा सबसे तेज झटका। राजधानी ताइपे में झुकी कुछ इमारतें। जापान, चीन और फिलीपींस में भी महसूस किए गए झटके। आईपीएल में आज लखनऊ और चेन्नई होंगे आमने सामने। कल खेले गए मैच में राजस्थान ने मुंबई को 9 विकेट से दी थी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। तमाम पार्टियों ने वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मुसलसल अवामी जलसे कर रहे हैं। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबसे पहले राजस्थान पहुंचेंगे, जहां वो टोंक सवाईमाधोपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। राजस्थान के बाद वजीर आजम छत्तीसगढ़ में 2 अवामी जलसे करेंगे। वजीर आजम का पहला जलसा दोपहर 3:15 बजे के करीब जांगीर जाम्पा में होगा। उसके बाद वजीर आजम महासमुंद में जलसा आम से खिताब करेंगे। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 रोजा दौरे पर होंगी। वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ऋषिकेश की 4थी तकसीम स्नात तकरीब में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया आज ऋषिकेश में गंगा आरती में भी शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया बुध को इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जेर तरबियत अफसरान की तकसीम स्नात तकरीब में शिरकत करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम के बयान की मजम्मत की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अगर कांग्रेस इकतदार में आती है तो ही वो CAA 3 नए फौजदारी कवानीन और दीगर कवानीन को वापस ले सकेगी, जो नहीं होने वाला है। अमित शाह ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि खुशामद की सियासत में अंधी कांग्रेस को पहले मरहल में अपनी पार्टी का सफाया होते देखकर सदमा हुआ है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस मजलूम हिंदू, बुद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी बिरादरियों को नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस को नए कवानीन की वजह से 3 साल के अंदर इंसाफ मिलने से परेशानी है। 2014 और 2019 की तरह मुल्क के अवाम 2024 के इंतखाबात में भी पहले से ज्यादा ताकत के साथ कांग्रेस को सबक सिखाने वाले हैं। और आगे बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ। तमाम सियासी पार्टियों ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में 2 रैलियां कर रही हैं। प्रियंका गांधी कर्नाटक के चित्रदुर्गा लोकसभा हलके और बेंगलुरु में इंतखाबी रैलियां करेंगी और अपने उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील करेंगी। उत्तर प्रदेश से वापस 2 सीनियर लीडर मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, जहां
एसपी सरबरा अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इंतखाबी मुहिम तेज करेंगे, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो भी यूपी के अलीगढ़ और मेरठ में अवामी जलसों से खिताब करेंगी। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव बिहार के पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और मुंगेर में अपने इत्तेहाद के हक में मुहिम चलाएंगे। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले से पहले तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबी तशहीर में सरगर्म नजर आ रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा ने गौतम बुद्ध नगर में जीत की हैट्रिक का दावा किया है। महेश शर्मा ने कहा है कि उनके दौर में हवाई अड्डे समेत कई तरक्याती काम हुए हैं। इस लोकसभा इलेक्शन में पूरी पार्टी के लिए हैट्रिक होगी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। बीजेपी के गौतम बुद्ध नगर के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ है। डॉक्टर साहब 2014 में जीते, 2019 में जीते, 2024 में हैट्रिक लगाएंगे। देखिए, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी हैट्रिक लगा रही है। प्रधानमंत्री जी हैट्रिक लगा रहे हैं और मैं भी समझता हूँ क्षेत्र की जनता यहाँ मन बना चुकी है कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और यहाँ मेरी भी हैट्रिक निश्चित है। समाजवादी पार्टी के जो यहाँ से उम्मीदवार है उनका कहना है कि डॉक्टर साहब ने क्षेत्र में समय नहीं दिया है, इसी के चलते इस बार वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। देखिए, जितने विकास कार्य पिछले 10 वर्षों में यहाँ पर हुए हैं क्षेत्र की जनता जानती है कि 30,000 करोड़ का एयरपोर्ट के साथ मिलाकर 1,00,000 करोड़ की योजनाएं यहाँ पर आई है, तो क्षेत्र की जनता जानती है कि विकास कौन कर सकता है। धर्म जाति बिरादरी के सीमाओं को साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की इस डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, मैं समझता हूं वो मील का पत्थर साबित होंगे। इस बार जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता रहने वाली है? देखिए, ये मेरी कर्मभूमि है, मैं 41 वर्षों से रह रहा हूं, इस कर्मभूमि की माटी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे इस लायक बनाया, एक मास्टर के किसान के बेटे को यहां तक पहुंचाया और इस क्षेत्र का मुझ पर कर्ज है। जो विकास के जो बचे हुए कार्य हैं, यहाँ की कुछ व्यवस्थाएं जैसे किसानों की आबादी की समस्याएं अभी भी निस्तारित नहीं हुई हैं, बिल्डर बायर्स की समस्याएं, ट्रैफिक जाम की समस्याएं, पोल्यूशन की समस्याएं, इन समस्याओं का निराकरण हम जरूर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि जीतने के बाद भी कई सारी प्राथमिकताएं हैं और उनका निराकरण ये जरूर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर में इंडी इत्तेहाद और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी दौरान गौतम बुद्ध नगर से इंडी इत्तेहाद के उम्मीदवार डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर ने अपनी जीत का दावा पेश किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार की मुखालफत है और इस बार इंतखाबात में बैनुल अक्वामी उमूर काम नहीं आएंगे। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में दूसरे चरण में मतदान होना है। हमारे साथ इंडी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर मौजूद हैं। इतनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप यहाँ पर इस बार लोकसभा चुनाव में, क्योंकि महेश शर्मा जी 2014 में भी जीते, 19 में भी जीते और 24 में भी जीतने का दावा कर रहे हैं। ये जब शुरू की मैंने कंपेनिंग तो मुझे लग रहा था कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अब 25 दिन के बाद मुझे महसूस हो रहा कि काम आसान है, क्योंकि माननीय सांसद का बहुत ज़्यादा विरोध है और इतना विरोध है कि लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें हम घर में गांव में नहीं घुसने देंगे। और वजह क्या है, वो कभी गए नहीं 10 साल में। बहुत, मैंने कम से कम 70-80 गांव में पूछा, उन्होंने कहा आज तक हमने शक्ल नहीं देखी उनकी, घर बैठे यहाँ से चलते रहे। और दूसरा जो लोगों में विरोध है, किसान बहुत विरोधी है। किसान तो कहते हैं कि हमें इतना समय हो गया संघर्ष करते, 10 साल सेंटर में हो गए, 7.5 साल यहाँ उसमें यूपी में हो गए, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान कुछ नहीं हुआ। प्राधिकरण में जितने भी मामले लंबित है, लंबित पड़े। गौतम बुद्ध नगर सीट की बात की जाए तो मुझे लगता है भारत में एकमात्र ऐसी सीट है जहां पक्ष और विपक्ष दोनों में डॉक्टर्स हैं और दोनों अपने क्षेत्र में मास्टर्स के लेवल के डॉक्टर हैं। आपको लगता है कि इलाज कौन बेहतर अब करेगा जनता का? देखो, इलाज तो एक अलग फैक्टर है, कोई डॉक्टर वो भी है, मैं भी डॉक्टर हूँ, कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं है, ये तो विचारों की लड़ाई है। लेकिन ये निश्चित है कि इलाज बेहतर हम करेंगे। आपको लगता है कि इस बार मोदी और योगी फैक्टर यहाँ पर चलेगा? मोदी योगी फैक्टर यहाँ बिल्कुल नहीं चला, वो जो मामले होते हैं ना थोड़ा ऊपर के, वो चल ही नहीं रहे। जो लोकल मुद्दे हैं जिनसे लोग परेशान हैं उन्हीं की बात करते हैं। आप बड़ी बात उनके सामने करो, कहे भैया हमें कोई मतलब नहीं, हमारे फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराओ, किसानों की समस्या दूर कराओ, बेरोजगारी दूर कराओ, हमें नहीं मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। तो ये थे डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर, जिनका कहना है कि इस बार मोदी और योगी फैक्टर उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा और इंडी गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी।
वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, गौतम बुद्ध नगर। रुख करेंगे त्रिपुरा का। त्रिपुरा मशरकी हलके में 26 अप्रैल को इंतखाबात होने वाले हैं। वोटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारी नुमाइंदा दीपिका महतो ने इलेक्शन कमीशन त्रिपुरा के सीईओ पुनीत अग्रवाल से खसूसी बातचीत की, जिसमें उन्होंने त्रिपुरा में इलेक्शन कमीशन को दरपेश चैलेंजों के बारे में तफसील से बताया। त्रिपुरा में फर्स्ट फेज की पोलिंग 19 अप्रैल को हो चुकी है, जो त्रिपुरा वेस्ट में थी, और अब पूरी तैयारी है त्रिपुरा ईस्ट की पोलिंग की, जो कि 26 तारीख को है। और फिलहाल हमारे साथ इलेक्शन कमीशन सीईओ त्रिपुरा श्री पुनीत अग्रवाल जी हैं। त्रिपुरा वेस्ट के इलेक्शंस की बात करते हैं, और जिस तरीके का टर्नआउट रहा, क्या चैलेंजेस थे आप लोगों के लिए यहां पे पोलिंग कराना, और यहां की स्थिति को देखते हुए क्या क्या मुश्किलें आपने फेस की सर? त्रिपुरा में एक्चुअली जो लास्ट इलेक्शन हुए थे लोकसभा में 2019 में, उस समय हमारे यहाँ 168 पोलिंग स्टेशन में रिपोल हुआ था। उस समय वायलेंस को लेके त्रिपुरा काफी न्यूज में आया था, तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि कैसे हम वायलेंस फ्री पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराएं। उसके लिए हम लोगों ने पहले इंश्योर किया कि जो पोलिंग स्टेशन हैं उसमें जो वेबकास्टिंग की फैसिलिटी रहे, मतलब सभी कैम पोलिंग स्टेशन में लाइव वेबकास्टिंग के थ्रू हम देखें कि वहाँ इलेक्शन पीसफुल वे में हो रहा है, और सिक्योरिटी फोर्सेस उसको हमें कैसे हम बेस्ट ऑप्टिमल वे में यूज़ करें। उसके लिए हमें टोटल 100 कंपनीज मिली, 85 में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, तो उनको हमने इंश्योर किया कि हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज की प्रेजेंस रहे, ताकि जो वोटर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस रहे कि फोर्सेस हैं जो न्यूट्रल इम्पार्शियल वे में उनको सिक्योरिटी प्रदान कर रही हैं। इससे लोगों के बीच हमने ये भरोसा कायम करने का प्रयास किया कि वो बिना किसी भय के अपनी स्वेच्छा से वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक आए, और उसका असर कहीं ना कहीं दिखा। जब हमने देखा त्रिपुरा वेस्ट में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, 80% से ज्यादा हुई है, त्रिपुरा ईस्ट के लिए अब कैसी तैयारियां? ईस्ट में भी और चैलेंजेस हैं हमारे हमारे जो ईस्ट में, अगर हम देखेंगे वेस्ट एक्चुअली दो डिस्ट्रिक्ट्स को, चार डिस्ट्रिक्ट में आता है, मेनली स्टेट जो कैपिटल है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है वो, एंड उसके साथ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, उसमें मेन कवरेज आता है। हमारा जो ईस्ट वाली सीट है, जो सेकेंड त्रिपुरा की सीट है जो पोलिंग में जाएगी, उसमें 6 स्टेट के डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं आउट ऑफ टोटल 8, और वो डाउन नॉर्थ से लेकर अप डाउन साउथ तक पूरा एरिया कवर करता है। तो उसमें चैलेंजेस हैं कि हमारी टोटल पोलिंग स्टेशन काफी स्प्रेड आउट हैं, और उसके लिए हमें वहां तक पोलिंग पार्टीज को लेके जाना और उनमें फोर्सेस डिप्लॉय करना, वो एक चैलेंज है। और इस एरिया में मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, त्रिपुरा में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो उनके एरिया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा आते हैं, तो उसको भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कैसे ट्राइबल नॉन ट्राइबल मिक्स में भी हम पीसफुल इलेक्शन इंश्योर करा पाए। तो ये सुना आपने श्री पुनीत अग्रवाल, जो कि है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इलेक्शन कमीशन त्रिपुरा के। त्रिपुरा ईस्ट में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो कि 26 तारीख को है, और उसको लेकर इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी है। वोटर्स में अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है, और एक्साइटमेंट भी साथ साथ क्रिएट की जा रही है। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ दीपिका, डीडी न्यूज त्रिपुरा। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मशरकी इलाकों में अगले 5 रोज तक गर्मी की लहर जारी रहेगी। बुध से इसका दायरा मजीद बढ़ने का इम्कान है। मगरबी बंगाल के गंगा इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी की लहर शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक, ओडिशा, मशरकी उत्तर प्रदेश, मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में भी शदीद गर्मी की पेशनगोई की है। ओडिशा, रायलसीमा, गंगा, मगरबी बंगाल, झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, जनूब मगरबी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और साहिली आंध्र प्रदेश के बेशतर हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 दिन के दौरान शुमाल मशरकी भारत में शदीद बारिश और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, मुल्क भर में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम है। बड़ी तादाद में लोग हनुमान मंदिर के बाहर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा, अखंड रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है। इसके साथ ही जगह जगह सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं।
हनुमान जयंती के मौके पर बड़ी तादाद में आकर्षण हनुमान गढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में कहा कि मैं दुआ करता हूं कि मुसीबत को दूर करने वाले श्री राम भक्त हनुमान, जो ताकत, जहानत और इल्म हासिल करने की तरकीब देते हैं, हर एक को अपना आशीर्वाद दें और इसे बनाए रखें। इस बार सबकी नजरें खास तौर से राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर हैं। इस सीट पर कांग्रेस और आजाद उम्मीदवारों के दरमियान सहरुखी मुकाबला है, काफी दिलचस्प मरहले में है। यह हलका बीजेपी के लिए वकार का मसला बन गया है। सरहद से मुत्तसल इस पार्लिमानी सीट के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को होनी है। आइए देखते हैं ओपी यादव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पूरे मुल्क में बहस का मौजू बनी हुई है। इंतखाबात के लिहाज से अहम इस पार्लिमानी हलके में इन दिनों शदीद गर्मी के साथ सूरत की तपिश भी झुलस रही है, लेकिन इंतखाबी सरगर्मियों के बाईस सियासी दर्जा हरारत भी अपने उरूज पर है। बीजेपी ने यहाँ से मरकजी वजीर मुमलिकत बराए ज़राअत और किसानों की बहबूद कैलाश चौधरी को दोबारा मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने आरएलपी से उम्मीद राम बेनीवाल को टिकट दिया है। दूसरी तरफ शिव असेंबली सीट से आजाद एमएलए रविंद्र सिंह भाटी ने आजाद परचय नामजदगी दाखिल करके मुकाबले को सहरुखी बना दिया है। इंतखाबी मुहिम में उन्हें जो जबरदस्त हिमायत मिल रही है, उससे हौसला अफजाई हासिल करते हुए बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने कहा है कि पिछले 10 सालों में वजीर आजम मोदी की क्यादत में मरकज में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद तारीखी तरक्याती काम हुए हैं। मुल्क और रियासत में हम मोदी हुकूमत को दोबारा इकतदार में लाने के लिए वोट और हिमायत मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल के अंदर जो काम किए हैं, वो काम आज उन जनता के दिलों में बस चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी जनता के दिल में बस चुके हैं। इंतखाबी मुकाबले में सियासी मसावात तलाश करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार उम्मीद राम बेनीवाल भी पार्टी के इंतखाबी मंशूर के वादों के साथ भरपूर मुहिम चलाने में मसरूफ हैं। जो राष्ट्रवाद की सबसे ज्यादा बातें कर रहे थे, वो निर्दलीय के रूप में भी उसके साथ में लोग लगे हुए हैं, तो लोग सब समझते हैं कि असली में जन सेवा करने वाला कौन है। रियल और रियल में के अंदर लोगों ने समझ फर्क महसूस कर लिया है। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी, जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगरचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना आइडल कहते हैं, लेकिन इंतखाबी जंग में नौजवानों की मदद से बीजेपी के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ रही है और जाहिर सी बात है कि कैसे क्या हो रहा है ये जनता को पता है, पर मुझे मेरे पिता तुले बुजुर्गों पे, युवा साथियों पे और मातृशक्ति पे भरोसा है। वो इस रविंदर के साफे का मान कभी कम नहीं होने देंगे। खवातीन की ताकत भी इंतखाबी मुहिम में भरपूर अंदाज में नजर आ रही है। घरों में चौपाल के चर्चे करने के साथ साथ खवातीन का ग्रुप इलाकों में जाकर अपनी अपनी पार्टियों की हिमायत में वोट की अपील कर रहा है। आज आप गांव के किसी भी घर में चले जाइए तो आपको हर घर में शौचालय मिलेगा, हर घर में। कौन सा भी हमें नेता बने, भले बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, हमें बस जनता का, पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए और उनके बस खाली। काबिले जिक्र है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इस सीट पर तकरीबन 22 लाख वोटर हैं, इनमें सबसे ज्यादा 4.5 लाख वोटरों का ताल्लुक जाट बिरादरी से है। राजपूत वोटर 3 लाख हैं, मुस्लिम वोटर 2.7 लाख और SC/ST वोटर तकरीबन 4 लाख हैं। यहां 6.5 लाख वोट OBC कम्युनिटी के भी हैं। जाट वोटरों को राकिब करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही जाट उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन आजाद उम्मीदवार के तौर पर राजपूत बिरादरी के रविंद्र भाटी ने न सिर्फ इंतखाबी मसावात को बदल दिया है बल्कि सहरुखी इंतखाबी मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। जीत किसके सहरा बांधेगी ये तो आगामी 4 जून को पता चलेगा, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के चलते यह सीट न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में चर्चित हो गई है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं OP यादव, DD News जैसलमेर बाड़मेर।
राइब नजर डालते हैं कुछ दीगर खबरों पर। रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों में रेलवे मुसाफिरों की सहूलत के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। इसके तहत इजाफी ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। सरकारी जराये के मुताबिक यकम से 21 अप्रैल के दरमियान 41 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रेल का सफर किया। रेलवे मुसाफिरों की भीड़ को मुनज्जम करने के लिए तमाम बड़े स्टेशनों पर सीनियर अफसरान और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अहलकारों को भी तैनात किया गया है। और राउज एवन्यू कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की तहवील से मुतालिक समाअत करेगी। अदालत ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अदालती हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद उनकी तहवील में 23 अप्रैल तक की तौसी कर दी गई। काबिल जिक्र है कि केजरीवाल शराब घपला केस में तिहाड़ जेल में कैद है। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। और इस बीच पतंजलि के गुमराह कुन इश्तहार केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। 16 अप्रैल को बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने पेश हुए थे। बाबा रामदेव की जानिब से उनके वकील मुकुल रोहतगी ने एक बार फिर अदालत से माफ़ी मांगी है। अदालत की दरख्वास्त पर रामदेव ने अदालत से माफ़ी मांग ली है। आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती तौर पर हाजिर होने की हिदायत दी गई है। और आइए अब देखते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात और उनकी सुर्खियां। नाज़रीन उर्दू अखबारात में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं उर्दू अखबारात के जायजे में, वो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये मगरबी बंगाल से मुतालिक है। मगरबी बंगाल में 24,000 असातिज़ा की तकर्री को मनसूख कर दिया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट का 8 साल की तनख्वाह को वापस करने का हुक्म। मगरबी बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन को नई तकर्री का अमल शुरू करने की हिदायत भी जारी। और इसके बाद जो अगली सुर्खी ले रहे हैं वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। अगली सुर्खी, कांग्रेस और एसपी ने मुसलमानों की बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान, उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क के अवाम को लूटती रही है। और उसके बाद की जो अगली सुर्खी है वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। मालदीव में सदर मोहम्मद मुइज़ो की ज़बरदस्त जीत, इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, बड़ी कामयाबी। और उसके बाद जो अगली सुर्खी है वो भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, ये सदर जमहूरिया ने 67 शख्सियात को पद्म अवार्ड से नवाजा। पीर को एक तकरीब में 67 शख्सियात को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद रुख करते हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस का। नतीजे के ऐलान से पहले ही सूरत से जीत गए बीजेपी के उम्मीदवार। कांग्रेस उम्मीदवार की नामजदगी मनसूख होने और बाकी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने से बिला मुकाबला जीत गए मुकेश भाई दलाल। और उसके बाद हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगली खबर, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा सियाचिन, फौजी तैयारियों का जायज़ा लिया। कहा कि दिवाली का पहला दिया और होली का पहला रंग फौजियों के नाम होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 2 बरसों में नक्सलिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, अमित शाह का बयान। और उसके बाद जो अगली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा सहाफत से। महाराष्ट्र में तीसरे मरहल में 11 सीटों के लिए 317 उम्मीदवार मैदान में। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है और अपोजिशन लीडरों ने मुसलमानों के खिलाफ तबसरे पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या और काशी में हदफ हासिल, अब मथुरा की बारी। योगी आदित्यनाथ ने खिताब किया। और उसके बाद जो अगली खबर है वो भी है रोज़नामा इनकलाब से। और आगे बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ।
इसराइल के साथ बढ़ती कशीदगी के दरमियान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने पीर को पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। रईसी पाकिस्तान के सैरोजा दौरे पर हैं। इस दौरान वो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कई आला सतही मुलाकातें करेंगे। साथ ही वो कराची और लाहौर भी जाएंगे। 8 फरवरी को पाकिस्तान में नई हुकूमत के क्याम के बाद ये किसी गैर मुल्की रहनुमा का मुल्क का पहला दौरा है। ताइवान में रवा माह का दूसरा जलजला आया है। पीर की शाम 5 बजे से 12 बजे के दरमियान मुल्क के मशरकी साहिल पर 80 से ज्यादा झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 6.3 थी, जो भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12 बजे के करीब आया। जलजले का मरकज मशरकी होलियान में 5.5 किलोमीटर गहराई में था। जलजले के 22 दारुलहुकूमत ताइपे में कुछ इमारतें झुक गई हैं। जापान, चीन और फिलिपाइन में भी हल्के झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। इससे कबल ताइवान में 3 अप्रैल को 7.2 शिद्दत का जलजला आया था, जिसमें तकरीबन 14 अफराद हलाक हुए थे। उसके बाद से अब तक ताइवान में जलजले के सैकड़ों झटके महसूस किए जा चुके हैं। फायर डिपार्टमेंट ने कहा है कि होलियान काउंटी 3 अप्रैल को आए जलजले में होटल ताज़ा को नुकसान पहुंचा था। ताज़ा तरीन झटकों की वजह से होटल की इमारत थोड़ी सी झुक गई है। रुख करते हैं खेल के मैदान का। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉइंट से चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। दोनों ही टीमें 8-8 पॉइंट्स के साथ चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। आज का मुकाबला दोनों के लिए अहम है। ख्याल रहे कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने गुज़िश्ता मैच में चेन्नई को अपने घरेलू मैदान में 8 विकेट से शिकस्त दी थी। अब चेन्नई की टीम हिसाब बराबर करने की कोशिश करेगी। वैसे चेन्नई सुपर किंग्स अब तक अपने घरेलू मैदान में एक भी मैच नहीं हारी है। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। अब और नहीं झेल सका ये गांव इसको। जिस रन जाना था हम कौन है डाकू और को गांव में सरपंच के मौड़ा ने जबरदस्ती करनी चाहिए जाके साथ। ए फुलर कहीं भी हो सामने आ जा। अच्छी लड़की को कोई हाथ नहीं लगाए तेरे गैंग के असल